हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बताएंगे फुंसियों के बारे में। फुंसियाँ हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं हम लोग, और ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और ख़ास करके बच्चों को। और जब हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं हम लोग। जब बड़ी हो जाती, पक जाती हैं, तो जब तक छोटी रहती हैं तभी तक उपाय तभी कर लें, तो फिर बड़ी होने का कोई सवाल ही नहीं होता, तो फिर आपकी फुंसियाँ बड़ी नहीं होंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटे बच्चों को जैसे निकलती क्यों है पता है? जैसे गर्मियों के सीज़न में जब आम वगैरह आते हैं, आम या कोई गर्म चीज़ें ज़्यादा जब खा लेते हैं तो ये फुंसियाँ निकलती हैं। और बच्चे होते हैं, बच्चों को तो आम पसंद ही होते हैं, तो जब आम खाते हैं तो आपको फुंसियाँ ना निकले, इसके लिए क्या करना है कि जैसे आम खाने के बाद में, बच्चों को खिलाने के बाद में थोड़ा सा आपको ठंडा दूध दे देना है फ्रिज का। और फ्रिज का दूध दे देने के बाद में फिर वो उसकी गर्मी जो है वो शांत हो जाती है, तो इसलिए फुंसियाँ नहीं निकलती हैं। तो अगर निकल नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए क्या, अगर छोटी छोटी सी फुंसियाँ जब निकलती हैं, लाल लाल सा हो जाता है, तभी आपको पता चल जाता है कि हमारे फुंसियाँ निकल रही हैं, तो उनको तभी दवा देना है, तभी के लिए हम उपाय बता रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये सरसों आती है काली या पीली, कोई भी सरसों हो, कोई भी सरसों आप ले सकते हैं, और उसको इतनी इतनी सी सरसों लेके, जैसी फुंसी है आपके एक दो तीन, तो उसकी मात्रा थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। इतना करना है कि जैसे लेप लग जाए, जैसे उसके ऊपर से अच्छे से लेप लग जाए, उतना करना है। और वो सरसों को लेना है, आपको सिलबट्टे पे पीसना है, सिलबट्टे पे पीस के और उसका पेस्ट जैसा बना लेना है, हल्का हल्का सा पानी डालते जाएं और पीसते जाएं तो उसका हल्का सा पेस्ट बन जाएगा। ऐसा पेस्ट बनाना है कि जैसे फुंसी के ऊपर लग जाए, जितनी फुंसी है उतने उसके ऊपर में लग जाए। और थोड़ा सा दरदरा रखना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है, हल्का हल्का सा पीस के उसका पेस्ट। सरसों तो बहुत जल्दी पीस जाती है, और अगर काली वाली ज़्यादा फायदा करती है, और अगर काली वाली नहीं है तो आप पीली भी ले सकते हैं। तो पीली वाली सरसों लेके, और अगर उपलब्ध है तो काली वाली, तो उसको पीसना है सिलबट्टे पे और पीस के उसका पेस्ट जैसा कटोरी में बना के रख लेना है। फिर उसके बाद में जैसे फुंसी निकली है उसके ऊपर अच्छे से रख देना है चारों तरफ से। जैसे फुंसी में जितना, जैसे ये लालपन दे देती है, जैसे ही निकलती है लालपन हो जाता है, मुंह बन जाता है, मुंह एक दो दिन में बनता है, तो उसके ऊपर लगा देना है उसका लेप मोटा मोटा सा, अच्छे से लगा देना है और उसको लगा के छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। कोशिश करें कि जैसे 10 से 15-20 मिनट के लिए उसको रखना है, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो वो गिर जाएगा। तो उसको सीधे रखना है, और बच्चे हैं तो बच्चे तो तुरंत ही, या तो पकड़ के रखें उनको, नहीं तो तुरंत ही वो कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पट्टी बांध देनी है, कोई भी कपड़ा लेके और उसके ऊपर से पट्टी बांध दें, तो थोड़ी देर वो टिका रहेगा। ज़्यादा देर नहीं रखना है, 10 से 15 मिनट के लिए अगर उसको रख देते हैं तो वो अच्छे से अपना काम कर देता है। तो उसको कितनी दिन में कितनी बार करना है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो उसको अच्छे से रख दें और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद में क्या करना है, आपको 2 से 3 बार ये करना है, लेकिन जो सरसों है उसको ताजी पीसना है, पीस के रखना नहीं है, ताजी पीस के उसका पेस्ट बना के तुरंत तुरंत लगाना है। आपको 1 से 2 दिन में फुंसियाँ जो हैं ठीक हो जाएंगी, चाहे बड़ी हो या छोटी हो। फुंसी जो है बड़ी पहले ही पता चल जाती, दर्द होता है वहाँ पे, मुंह बन जाता है, तो उसमें आपको लगा के और उसको छोड़ देना है, और फुंसी आपकी बैठ जाएगी। अगर पक भी गई है, अगर बड़ी हो गई है, पक गई है, तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा कब गायब हो गई। और अगर छोटी सी है तो वो तो एकदम गायब हो जाएगी, एक दिन में ही गायब हो जाएगी। अगर एक दिन में नहीं होता है तो थोड़ा सा दूसरे दिन भी ऐसे लगा लेना है, लेकिन याद रखना है कि पेस्ट जो है ताज़ा लगाना है,
ताज़ा ताज़ा सा पेस्ट लेके और बस लगा देना है और उसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी फुंसी एकदम ठीक हो जाएगी। डॉक्टरों से दवाइयाँ लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, फिर वो बड़े हो जाते हैं, फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जब ज़्यादा पस बन जाता है तो उसमें कमजोरी भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे पस बनने लगता है तो कमजोरी आ जाती है। फिर डॉक्टर ऑपरेशन भी करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना, एक हॉस्पिटल गए थे एक दिन, तो दिखा यहाँ पे उनकी फुंसी थी, तो फुंसी वो पक गई, पकते पकते फिर इतना इतना सा गड्ढा हो गया था। और हम सामने ही बैठे थे जब वो अंदर, डॉक्टर ने अंदर बुलाया उनको, तो उसके जो है जैसे उसके अंदर घाव हो गया, उसमें ममाद बन गया था, तो उसका जो है घाव साफ कर रहे थे। इतना ज़्यादा वो चिल्ला रही थी, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो ये समस्या समस्या कोई भी हो, छोटी जब तक छोटी लगती है जब तक अपने आप को वो फेस ना करना पड़े, और जब अपने आप को फेस करनी पड़ती है तब वो समस्या बड़ी लगती है और बड़ा रूप ले लेती है। तो जब तक वो छोटी रहती है तभी उसका उपाय कर लें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। डॉक्टरों की दवाइयाँ और दवाइयों के साइड इफेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि पूछो मत। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हम नहीं करते। जैसे बहुत ज़्यादा असहनीय कोई भी दर्द हो रहा है, सर में दर्द, कुछ लोग हैं सर में दर्द हो रहा दवाई खा लो, तनिक सा कहीं भी पैर में दर्द हो रहा दवाई खा लो, ये कर लो, दवाई दवाई जो है दवाई पे ही जीते हैं। तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा, कुछ नींद की गोली लेते कुछ, तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। कोशिश करें कम से कम दवाइयाँ लें। अगर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट, एक गोली का साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, जब नहीं सहन होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, तो उसको तो फिर डॉक्टर को दिखाना ही बनता है। लेकिन जब तक समस्या छोटी मोटी है, अपने आप हल हो सकती है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से छोटी मोटी समस्याएं, और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो घर में ही हम लोग ठीक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से, और कोई भी पैसे लगने की जरूरत नहीं होती है, घर की चीज़ों से ही हो जाता है। घर में सरसों तो पड़ी रहती है, ऐसे तो दूसरा भी नुस्खा है, तेल, थोड़ा सा तेल और हल्दी वो भी रखते हैं, वो उससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और ये सरसों वाला भी नुस्खा है बहुत ही अच्छा, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तो अपने घर में जो है ये उपाय, घर के नुस्खे अपना के आप लोग स्वस्थ हो सकते हैं, मस्त हो सकते हैं, और छोटी छोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।